टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 17 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पहले मैच के लिए रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होंगे और उनकी जगह हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 भी भारत में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज के बाद मेजबान टीम वनडे सीरीज में भी अपना दबदबा बनाना चाहेगा। विराट कोहली वनडे में शानदार फॉर्म है। उन्होंने टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी और वो इसी फॉर्म को वनडे मैच में भी बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं कंगारुओं की बात करें तो वनडे सीरीज के लिए ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वॉर्नर अपनी चोटों से पूरी तरह उबर चुके हैं, जो टीम के लिए वनडे सीरीज में बेहद काम आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी भारत को उसके घर में हराना चाहती है और टेस्ट सीरीज की हार का बदला भी लेना चाहेगी। वहीं बात की जाए पिच की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच काफी सपाट है और इस मैदान पर रन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान होता है, जिसमें 260 औसतन पहली पारी का स्कोर बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है?